हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो में हम लोग एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सीखेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए किस तरीके से स्टॉक्स को ऐड करना है पोर्टफोलियो में, कब एग्जिट करना है, कब एंट्री लेना है, स्ट्रैटेजी क्या है, कौन से चार्ट टाइम फ्रेम पे वो स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में समझेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा ये स्ट्रैटेजी को आप ऑटोमेशन में कैसे बिल्ड कर सकते हो, तो स्टॉक स्कैनिंग भी ऑटोमेटिकली होगा और स्टॉक्स में एंट्री एंड एग्जिट भी ऑटोमेटिकली होगा। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, एंड तक देखना, काफी कुछ आपको समझ में आएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वीकली चार्ट सबसे बेस्ट होता है इन्वेस्टर्स के लिए, तो ये स्ट्रैटेजी आपको वीकली चार्ट पे अप्लाई करना है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आप ये डेली चार्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैं आपको ये वीडियो में वीकली चार्ट पे ज्यादा एग्जाम्पल देने वाला हूँ। स्ट्रैटेजी क्या है ध्यान से समझ लो। वीकली चार्ट पे आपको 55 डे ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट करना है हाई प्राइस पे। जब ईएमए प्लॉट करते हो तो वहां पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं क्लोजिंग प्राइस पे, हाई प्राइस पे, ओपन प्राइस पे, लो प्राइस पे। तो हम लोग 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट करेंगे ऑन अ हायर प्राइस। फिर सेम 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें वापस ऐड करना है बट लोअर प्राइस पे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। 55 ईएमए ही आपको ऐड करना है, एक बार आपको ऐड करना है हायर प्राइस पे, एक बार आपको ऐड करना है लोअर प्राइस पे। तो आपको दो मूविंग एवरेज का एक बैंड दिखने लगेगा, दोनों 55 डे मूविंग एवरेज है, बट एक 55 डे मूविंग एवरेज होगा हायर प्राइस पे, दूसरा वाला 55 डे मूविंग एवरेज होगा लोअर प्राइस पे। एक काम करते हैं, पहले इसको चार्ट पे हम लोग समझ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ स्ट्रैटेजी में ट्रेड कैसे लेना है। सो फॉर एग्जांपल ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का चार्ट है, वीकली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर में जाना है, ईएमए आपको टाइप करना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आपको दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको साइड में ईएमए दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसके सेटिंग्स पे आपको जाना है, सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर आपको लेंथ में आपको 55 लिखना है, 55 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। सोर्स में आपको यहाँ पर हाई सिलेक्ट करना है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये सारे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर आपको हाई सिलेक्ट करना है। इसका कलर थोड़ा डार्क दे देना है, इसका विड्थ इंक्रीज कर देना है ताकि आपको इजिली विजिबल हो चार्ट पे। 55 हाई और मैंने कलर को डार्क कर दिया, विड्थ इंक्रीज कर दिया, ओके किया। तो हम लोगों ने ये प्लॉट किया 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन अ हायर प्राइस। एक और 55 ये में हमें ऐड करना है बट इस टाइम हमें ऐड करना है लोअर प्राइस बैंड पे। तो यहाँ पर मैंने लेंथ लिखा 55, सोर्स यहाँ पर हम लोग ने सिलेक्ट किया लो। तो अब ये लो प्राइस के हिसाब से 55 ये में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट करेगा। स्टाइल में जाकर इसका भी कलर मैंने डार्क कर दिया, विड्थ को इंक्रीज कर दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पर आपको दो मूविंग एवरेज का बैंड दिख रहा होगा। ब्लू वाला जो लाइन है वो 55 ईएमए हायर प्राइस पे है, ऑरेंज वाला जो लाइन है वो 55 ईएमए लोअर प्राइस पे है। आई होप आपको चार्ट पे प्लॉट कैसे करना है ये समझ में आ गया। ये जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूँ ये फायर्स का प्लेटफॉर्म है, फायर्स एक ब्रोकर है, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर आपको ये चार्टिंग सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप फायर्स में अकाउंट ओपन कर सकते हो और आपको ये चार्टिंग सॉफ्टवेयर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। अब स्ट्रैटेजी क्या है ध्यान से समझना। बाय स्टॉक इफ प्राइसेस अबव 55 ईएमए बैंड। बैंड का मतलब है दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए प्राइस, तभी हम लोग बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। एग्जिट स्टॉक इफ प्राइस गोज बिलो 55 ईएमए बैंड। प्राइस अगर दोनों मूविंग एवरेज के बैंड के नीचे चला जाता है तो हम लोग एग्जिट कर देंगे। एंट्री और एग्जिट क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से, मतलब कैंडल क्लोज होना चाहिए 55 ईएमए बैंड के ऊपर तभी हम लोग बाइंग करेंगे, कैंडल क्लोज होना चाहिए 55 ईएमए बैंड के नीचे तभी हम लोग स्टॉक को एग्जिट करेंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का चार्ट है ये, यहाँ पर 55 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग हुआ, ये लेवल के आसपास हम लोग एंट्री कर दे, उसके बाद प्राइजेस ऊपर भी गया है और ये लेवल के आसपास हम लोग स्टॉक को एग्जिट कर देते क्योंकि प्राइजेस ईएमए के नीचे आ चुका है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत लॉस होता बट उसके बाद वापस स्टॉक ने री एंट्री दिया, यहाँ पर हम लोग वापस एंट्री करते क्योंकि ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर और अभी तक आप होल्ड करके रखते क्योंकि अभी तक ये स्टॉक ने दोनों मूविंग एवरेज के बैंड के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। तो यहाँ पर कहीं पे आप एंट्री करते 1000 के आसपास और अभी प्राइस चल रहा है 2474। तो जब तक प्राइसेस दोनों ईएमए बैंड के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तब तक आपको पोर्शंस को होल्ड रखना है, स्टॉक को होल्ड रखना है अपने पोर्टफोलियो में और ट्रेंड को फॉलो करते जाना है। ये टाटा स्टील का वीकली चार्ट है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टाटा स्टील ने ये लेवल के आसपास क्लियरली बाय दिया है, अराउंड 450-460 के आसपास बाय दिया था, उसके बाद एक भी कैंडल दोनों ईएमए बैंड के नीचे क्लोज हुआ ही नहीं है। तो अभी तक हम लोग पोर्शंस को क्या करते हैं, होल्ड रखते, ये स्टॉक को हम लोग पोर्टफोलियो में क्या करते हैं, ऐड करके रखते हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर जब बाय दे रहा है
तो एंट्री करने के बाद में तुरंत चार पांच कैंडल के बाद में स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो रहा है। तो यहाँ पर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रूल फॉलो कर सकते हो, जैसे ट्रेड फेवर में जाता है आप उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हो, जिससे कि अगर प्राइसेस रिवर्स भी होता है तो आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा और आपके कॉस्ट प्राइस के आसपास या फिर आप प्रॉफिट में पोजीशंस को एग्जिट कर दोगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सीखना पड़ेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ लोग मूविंग एवरेजेस के हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स भी यूज होते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए, अलग अलग मेथड्स है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करने के लिए, बट पहले आप ध्यान से समझना एंट्री कैसे लेना है एग्जिट कैसे लेना है। ये HCL टेक्नोलॉजी का चार्ट है, ये लेवल के आसपास HCL टेक्नोलॉजी ने काफी अच्छा बाय दिया 590-600 के आसपास, और अभी तक प्राइसेस दोनों ईएमए बैंड के ऊपर है तो हम लोग पोर्शंस को क्या करेंगे, होल्ड रखेंगे, स्टॉक को पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखेंगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कई बार इसने बाय दिया, प्राइसेस जो है वो दोनों ईएमए बैंड के नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुआ है। सारे कैंडल्स आप देख सकते हो, जो 55 ईएमए लोअर प्राइस पे हम लोगों ने बैंड ऐड किया है, ईएमए ऐड किया है ऑरेंज लाइन का, उसी के आसपास क्लोजिंग दे रहा है, वापस बाउंस बैक कर रहा है। तो जो नीचे वाला लाइन है, जो ऑरेंज कलर का लाइन है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, इसलिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बार बार इसी लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा है फिर ऊपर जाता है, इसी लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा है फिर ऊपर जाता है, इसी लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा है फिर ऊपर जाता है। अब काफी लोगों का क्वेश्चन ये होगा, ईएमए बेस के ऊपर आपने बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस देखे होंगे और आप लोगों का ज्यादातर क्वेरीज ये होगा कि इसमें स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, स्टॉक आइडेंटिफाई कैसे करना है, और ये स्ट्रैटेजी देखने में काफी अच्छा लगता है बट जब आप प्रैक्टिकली करने जाते हो तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काफी चेंज होता रहता है लाइव मार्केट में, और प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण आप रैली कैच नहीं कर पाते, कई बार आप जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हो क्योंकि आपको लगता है कि प्राइसेस वापस ईएमए के नीचे आ जाएगा, और कई बार आप ट्रेड में लॉसेस कर देते हो जब प्राइसेस ईएमए के नीचे क्लोजिंग होता है तो भी आप लोग एग्जिट नहीं करते, ये होप में रहते हो कि वापस ये ईएमए के ऊपर चला जाएगा। तो अगर आप मैन्युअली ट्रेडिंग कर रहे हो तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे इमोशंस के कारण, साइकोलॉजी के कारण, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है और आप वो देख रहे हो तो डेफिनेटली माइंड में अनस्टेबिलिटी आएगा और आप ये इतना बड़ा अपमूव कैच नहीं कर पाओगे। तो मैन्युअली अगर बात करें तो काफी ज्यादा लिमिटेशंस हो जाती है, ये मैं सिर्फ ईएमए की बात नहीं कर रहा, ऐसे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, बहुत सारे इंडिकेटर्स है, बहुत सारे ट्रेडिंग मेथड्स है जो आप मैन्युअली करोगे तो आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट यही चीज आप अगर ऑटोमेशन में कर दोगे तो इसमें आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। स्टॉक स्कैनिंग भी ऑटोमेशन में हम लोग कर सकते हैं इसमें, और ये स्ट्रैटेजी को हम लोग ऑटोमेशन में बिल्ड कर सकते हैं, मशीन ट्रेडिंग में बिल्ड कर सकते हैं। तो जैसे कोई भी स्टॉक दोनों ईएमए बैंड के ऊपर कैंडल क्लोज देगा तो मशीन ऑटोमेटिकली बाय कर लेगा, आपको क्वांटिटी डिफाइन करना पड़ेगा, 100 शेयर लेना है या 200 शेयर लेना है, तो मशीन ऑटोमेटिकली उतनी क्वांटिटी बाय कर लेगा। मशीन में आप एग्जिट कंडीशन भी डाल सकते हो, जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगा दोनों ईएमए के नीचे तब तक पोजीशन को एग्जिट नहीं करना है, स्टॉक को एग्जिट नहीं करना है, और मशीन स्टॉक को एग्जिट नहीं करेगा क्योंकि मशीन के पास कोई इमोशंस नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। मशीन को आपने रूल डिफाइन कर दिया कि 55 ईएमए बैंड के नीचे कैंडल क्लोज होगा तो ही आपको एग्जिट करना है, अदरवाइज होल्ड रखना है। तो आपने जो रूल डिफाइन किया है वही मशीन फॉलो करेगा। और एक बात आप क्लियरली समझ लो, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो चाहे आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, मशीन हमेशा आपसे बेटर तरीके से रूल फॉलो करेगा क्योंकि मशीन में कोई भी इमोशंस नहीं होता है। अब मैं आपको इसका स्कैनर भी बताता हूँ, ये स्ट्रैटेजी को ऑटोमेशन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये ज़ेरोधा स्ट्रीक प्लेटफॉर्म हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पर मैंने निफ्टी 500 स्टॉक सिलेक्ट किए, टाइम फ्रेम मैंने सिलेक्ट किया डेली चार्ट क्योंकि यहाँ पर वीकली चार्ट का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर मैंने डेली चार्ट सिलेक्ट किया है। आपको याद होगा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया भी था कि ये स्ट्रेटजी आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर मैंने कंडीशन डाला क्लोज हायर देन ईएमए, 55 ईएमए मैंने सिलेक्ट किया है और यहाँ पर मैंने हाई प्राइस के हिसाब से सिलेक्ट किया है। एक और कंडीशन मैंने डाला क्लोज हायर देन 55 ईएमए और यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है लो प्राइस के हिसाब से। अब मैं यहाँ पर स्कैन एंड सेव कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने स्कैन एंड सेव किया यहाँ पर मुझे ऑटोमेटिकली लिस्ट मिल गया कि ये सारे स्टॉक्स जो है वो 55 ईएमए के बैंड के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और ये स्टॉक्स में मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारे स्टॉक्स मिल गए। अब आप वन बाय वन ये स्टॉक के चार्ट ओपन करके और थोड़ा एनालिसिस कर सकते हो और उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब आप यहाँ पर चाहते हो कि ऑटोमेटिकली मशीन बाय कर ले ऐसे स्टॉक्स को जो 55 ईएमए के बैंड के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी को हम लोग कन्वर्ट इनटू स्ट्रैटेजी भी कर सकते हैं, टेक लाइव भी कर सकते हैं। टेक लाइव का मतलब ऑटोमेटिकली मशीन ये कंडीशंस के हिसाब हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में बाइंग करना स्टार्ट कर देगा, लाइव मार्केट में ट्रेड लेना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर आपको एग्जिट कंडीशन डिफाइन करना पड़ेगा और क्वांटिटी डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर किसी स्टॉक में बाय सिग्नल आता है मशीन कितना क्वांटिटी बाय करेगा।
तो ये पूरी स्ट्रैटेजी हम लोग ऑटोमेशन में बिल्ड कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक सैम्पल स्ट्रैटेजी बताई है। ऐसी बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, इन्वेस्टमेंट के ऊपर स्ट्रैटेजीज, ये सब कुछ हम लोग कवर करते हैं हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मोबाइल ऐप का भी लिंक दिया हुआ है। टेक्निकल एनालिसिस कोर्स हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। 8,000 रुपीज फीस है। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, कोर्स कंटेंट वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। और लेट से आपको सीखना है कि ये जीरोधा स्टेक प्लेटफॉर्म कैसे यूज करना है, तो ये जीरोधा स्टेक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने एल्गो ट्रेडिंग कोर्स में सिखाया है, ये कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। बट जब आप टेक्निकल एनालिसिस कोर्स लेते हो तो डायरेक्टली आपको एल्गो ट्रेडिंग कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के साथ में ही आपको मिल जाता है। क्योंकि हम लोग ज्यादातर स्टूडेंट्स को यही रेकमेंड करते हैं, जितना हो सके जहां तक ऑटोमेशन में ट्रेडिंग करो, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करो, तो आपको ट्रेडिंग में काफी बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे और आप एक प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग कर सकोगे। तो टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में हम लोगों ने सारी स्ट्रैटेजीज कवर की है, ऐसी स्ट्रैटेजीज जो आप एल्गो में बिल्ड कर सकते हो, ऑटोमेशन कर सकते हो, ऐसी 15-20 स्ट्रैटेजीज हम लोगों ने कवर की है। और एल्गो ट्रेडिंग कोर्स में हम लोगों ने ऑटोमेशन सिखाया है कि जीरोधा स्टेक प्लेटफॉर्म में ऑटोमेशन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। बट आई होप आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। वीकली चार्ट पे आपको अप्लाई करना है इन्वेस्टिंग के लिए, डेली चार्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करने के लिए आप बाकी अदर इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो, अदर पैरामीटर्स आप यूज कर सकते हो। स्ट्रैटेजी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और ये स्ट्रैटेजी के बेस पे आप आज से ही इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, अच्छे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना स्टार्ट कर सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है, आज ही आप अपना अकाउंट ओपन करो और ये स्ट्रैटेजी के बेस पे इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।